आइए जानते हैं क्या है आज विदेशों से मुख्य खबरें। अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में भारी खतरनाक तूफान आया है। इस तूफान ने तबाही मचाई हुई है। इस तूफान से लगभग 7 करोड़ लोग खतरे में हैं। न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में बिजली बंद कर दी गई है और न्यूयॉर्क जैसे कई राज्यों में इसे एमरजेंसी घोषित कर दिया है। इन राज्यों में ऐसा 4 साल बाद हुआ है कितना बड़ा बर्फीला तूफान यहाँ आया है। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान बनाई जा रही है। यहाँ के कलाकार 10 सालों से लगे हुए हैं। कैनवस पर सोने और एल्युमिनियम की मदद से कुरान में शब्द बनाए जा रहे हैं। इसका डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि ये वर्षों तक खराब नहीं हो पाएंगे। श्रीलंका में पुरानी कारों का बाजार ऊंचाई पर है। दरअसल श्रीलंका में बाहर से आए कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और लोगों को मजबूरन पुरानी कारों को खरीदना पड़ रहा है। हालांकि ये पुरानी कार भी इतनी महंगी है कि लोगों के पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं। दक्षिण कोरिया ने बताया करीबन सुबह 7:30 बजे उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया खूब मिलकर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया का 7वां परीक्षण है। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया को बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोकने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन दक्षिण कोरिया ने उनकी एक नहीं सुनी।